एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी टेक वो चलाती हूं टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक लाइफ सिंपलर एंड इजीियर। आप सोच रहे होंगे मैं ये पानी क्यों पीती हूं, लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि मैंने पानी इस जग में से निकाला। आपने सुना होगा कि कनाडा में पानी जो है वो काफी सेफ है कि आप टैप से भी पी सकते हैं, जैसा हमारे होम कंट्रीज में नहीं होता। जब इमिग्रेंट्स यहाँ आते हैं तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या हमारा टैप वाटर सेफ है या नहीं। तो बेसिकली जो पानी का सोर्स होता है वो डिटरमाइन करता है कि पानी सेफ है या नहीं। ऑनेस्टली ये पानी काफ़ी सेफ है, लेकिन इसमें काफ़ी क्लोरीन और बाकी एडिटिव्स होते हैं ताकि वो पानी की सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सके। और आपको नहीं पता कि सोर्स क्या है क्या नहीं है, जैसे आप कॉन्डोज में रह रहे हैं वगैरह वगैरह, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ऐसा एक फिल्टर जार यूज़ करने के। अगर आप चाहते हैं कि कौन सा वाला लें, ऑप्शंस तो थोड़े से ही हैं, काफ़ी सारे नहीं हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी ब्रीटा। तो ब्रीटा के दो फिल्टर आते हैं, एक ये होता है वाइट कलर का फिल्टर आता है, ये लेड फिल्टर नहीं करता है, तो ये एक टाइप का फिल्टर है, और दूसरा ऐसा ब्लू वाला फिल्टर आता है जो लेड भी फिल्टर करता है। तो ये वाला होता है, ये मंथ में एक बार ही आपको चेंज करना होता है और ये करीब 6 मंथ्स चल जा सकता है। आप इसका नाम भी देख सकते हैं, लॉन्ग लास्ट है इसका नाम, और ये 6 मंथ्स तक जैसे लास्ट करता है, और ये इसकी कवरेज कुछ ऐसी सी होती है। अब ऑब्वियसली दो फिल्टर्स डिफरेंट है तो उनके जार्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। जार्स रीयूज कर सकते हैं, जार्स अकेले भी मिलते हैं और फिल्टर्स भी आपको खरीदने पड़ सकते हैं। ये फिल्टर्स अमेजोन पे भी मिलते हैं या फिर कैनेडियन टायर ऐसे कोई शॉप में भी मिलते हैं। अगर आप पूछेंगे कि कौन सा बेटर ऑप्शन है लेने के लिए, देखो अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो फिर तो ऑप्शन अमेजोन का ही है, लेकिन ये फिल्टर्स अगर इधर उधर होते हैं ज़्यादा, जो अमेजोन में होने के चांसेस ज़्यादा है, तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे ख़राब हो गए तो हमें पता कैसे चलेगा। तो जब आप पानी निकाल रहे हो और इसका टाइम ना आया हो, जैसे ब्लू वाले का 6 मंथ्स ना हुआ हो या वाइट वाले का 1 महीना नहीं हुआ हो और पानी में ब्लैक ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स आने लग जाए, तो आप समझ जाइए कि आपके फिल्टर में कुछ प्रॉब्लम है। अब ये जो ब्लैक पार्टिकल्स हैं ये डेंजरस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें इसमें फिल्टर में डाली हुई हैं कम्प्लीटली नेचुरल है, कोई केमिकल्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो फॉर एग्जांपल जो ब्लैक चीज़ें आती हैं वो कोकोनट शेल होता है, तो इस सेफ, बट इसका मतलब ये है कि आपका जो फिल्टर है वो टैम्पर्ड विथ था, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, तो इस केस में आप ब्रीटा को लिख सकते हैं, तो वो आपको एक गिफ्ट कूपन भी दे सकते हैं या बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और ब्रीटा का कस्टमर केयर बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप मेरे जैसे हैं तो आप भूल जाएंगे कि आपने कब चेंज किया था फिल्टर, बट इसके लिए ब्रीटा ने बहुत ही केयरफुली ऐसा सा एक सिस्टम बनाया है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका टाइम हुआ है या नहीं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्टार्ट फिल्टर के टाइम आप इस बटन को दबाते हैं, और फिर जब ये फिल्टर का टाइम रेडी हो जाता है और चूज़ करते हैं कि आप स्टैंडर्ड फिल्टर यूज़ कर रहे हैं या लॉन्ग लास्टिंग फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, और ये लाइट जो ग्रीन होती हैं दोनों की और ये होती है रेड। तो जब आपका टाइम कंप्लीट हो जाता है कि आपने स्टार्टिंग में सेट किया था, वो ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट कर देता है। तो फॉर एग्जांपल आप 6 मंथ्स वाला यूज़ करें तो ऑब्वियसली आप भूल जाएंगे, लेकिन इनका एक बहुत अच्छा सिस्टम है और ये सिस्टम आपके पानी डालने से धोने से ख़राब नहीं होता है। सो आई होप गाइस ये आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो। पानी जनरली अगर आप पी रहे हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलरली प्रेफरेंस है आपकी या आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप ये फ़िल्टर लीजिए। वाइट और ब्लू वाले फ़िल्टर्स में कॉस्ट का काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन ब्लू वाला लेड भी फ़िल्टर करता है और लेड काफ़ी कभी कभी पाइप्स में आ ही जाता है फॉर सम ऑफ द अदर रीज़न, और वो हार्मफुल होता है। इसलिए अगर आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो आप ब्लू वाले में लीजिए।
जो जार्स होते हैं वो जार्स डिफरेंट लीटर्स के हिसाब से भी आते हैं। जैसे आपकी फैक्ट्री बड़ी हो तो आपको बड़ा वाला जार चाहिए हो सकता है, दो जार्स रख सकते हैं जैसे भी आपकी कंपैटिबिलिटी। आप अमेजोन पे भी चेक कर सकते हैं, अमेजोन में इनका पार्टनर है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो और आपके काम आए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊँ तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर रिक्वेस्ट साइनिंग ऑफ।